वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिवस शेव्स में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि अब से हम विदेशी शेविंग प्रोडक्ट्स के भी रिव्यूज देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और उनको कंपेयर करेंगे अपने देसी इंडियन प्रोडक्ट के साथ और देखेंगे कि कुछ अंतर है इनमें, और अगर वो अंतर है तो किस तरह का अंतर है, क्वालिटी के मामले में, इंग्रेडिएंट्स के मामले में और उनकी बनावट के मामले में, और सबसे इंपॉर्टेंट हाउ दे परफॉर्म। और ऑफ कोर्स जो जिस तरह के प्रीमियम वो लोग चार्ज करते हैं हमसे, क्या वो जस्टिफाई होता है। तो उसी सीरीज में आज की शुरुआत करते हैं। आज मैं एक आपको बहुत ही पुराना और एक हेरिटेज सोप लेकर आया हूं, और कुछ ब्लॉग्स उनमें इसको होली ग्रेल ऑफ यू नो विंटेज सोप भी कहा, विंटेज शेविंग सोप भी कहा जाता है। और दुख की बात है कि ये शेविंग सोप अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब आप कहोगे सर पहले ही मनाते रहोगे या दर्शन भी कराओगे, तो बिल्कुल मैं आपको उसके दर्शन करा देता हूं। सो यू कैन सी दिस इज अ जर्मन हेरिटेज सोप फ्रॉम द हाउस ऑफ क्लार, और इसका नाम है क्लार कैबिनेट। और तो इसको क्या है, इस बोरोसिल के कांच के कंटेनर में एक्चुअली क्या ग्रेट कर दिया गया है। ये एक टिकी बार टिकी के फॉर्म में आता है रैप्ड विथ पेपर, और यहां पे आपको जर्मनी में उन्होंने लिखा ही है सिकेट 1840, दैट मीन्स सिंस 1840। तो इतना पुराना ये एक विंटेज सोप है, और मैं बड़ा लकी फील कर रहा हूं अभी कि ये वर्ल्ड वाइड अब डिसकंटिन्यू हो चुका है और ये अब मेरे हाथ में है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे शेविंग ग्रुप, जो इंडियन वेट शेविंग ग्रुप है हमारा फेसबुक में, उनसे मैंने ये खरीदा है हाल ही में, सुधीर खोकर जी। तो सुधीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये एक प्रीमियम सोप मेरे को अच्छे दाम पे उपलब्ध कराया, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। सो इसको उन्होंने ग्रेट कर दिया है और ग्रेट करके इसमें कर दिया। तो इट्स बेसिकली इट्स अ वेरी हार्ड सोप, एंड टेक्स्चर और कलर आपको दिख रहा है बिल्कुल वाइट है, मगर जो इसकी स्मेल है वो आपको एक अलग ही दुनिया में इंस्टेंट ले जा लेती है। और ये जो स्मेल है, ये जो परफ्यूम है, रोज की है। अब रोज की परफ्यूम के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, देसी रोज होते हैं, अमेरिकन रोज होते हैं और इंग्लिश रोज होते हैं, मगर आपको इसको सुनते ही बहुत ही प्रीमियम तरीके की एक फीलिंग और आपके जो है वो उस तरह के इमोशंस इन्वोक हो जाएंगे। बहुत ही लाइट, बहुत ही जेंटल, बट लग्जरी परफ्यूम और आई शुड से स्मेल। तो जल्दी से इसके बारे में थोड़ा बात मैं बता देता हूं। तो इसको जो है थोड़ा मैं ब्लूम कर देता हूं, थोड़ा सा पानी डाल के। तो क्लार्क कैबिनेट जो सोप है यार, ये डिसकंटिन्यू किया जा चुका है, ऐसा उन्होंने सुधीर भाई ने भी बताया, और मैंने जितनी भी रिसर्च की इंटरनेट के थ्रू, नाउ इट इज नॉट अवेलेबल। मगर अगर आप ट्राई मारना चाहते हैं तो ईबे वगैरह में आप इस तरह के शेविंग एंथुसियास्ट से इनको परचेज कर सकते हैं। अब 1840 से ये सोप बन रहा था, जिसको अब डिसकंटिन्यू किया जा चुका है, ये बार बार मैं बोलना जरूरी है क्या? और ऐसा बताया जाता है कि अब ये एक आर्टिजन सोप है या वाइडली मास मैन्युफैक्चर सोप है, ये मेरे को अभी भी पता नहीं लग पाया, क्योंकि मैंने पता लगा जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इसका ऐसा बताया गया है कि ये शुरू में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बताया गया, और बाद में जर्मन जो बावल शॉप्स हुआ करती थी वहां पे बहुत पॉपुलर हो गया, तो बाद में इसका मास निर्माण भी हुआ। तो एंड इट इज वेरी 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 पॉपुलर सोप ऑल अक्रॉस यूरोप एंड ऑफ कोर्स जर्मनी आल्सो। और ऐसा बताया जाता है कि शुरुआती दौर में इसमें प्योर यू नो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते थे, और यहां तक कि जो परफ्यूम जो थी उसमें भी कोई सिंथेटिक परफ्यूम ना यूज करके वो रोज के जो एसेंस है, प्योर एसेंस, उसका इस्तेमाल करते थे। अब इसमें क्या इस्तेमाल किया गया ये मेरे को पता नहीं चला, मगर जब मैंने इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ वेबसाइट्स में चेक किया तो देखा कि इसमें केमिकल्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, दे आर यूजिंग परफ्यूम। तो परफ्यूम लिखा है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सिंथेटिक परफ्यूम होगी, मगर इसको स्मेल करने से एक बहुत अच्छे जो है आपके सेंसेशन इन्वोक हो जाते हैं। तो इसके बारे में, इसकी स्लिकनेस, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आज चेक करेंगे। आज का शेविंग ब्रश tried and tested, one of my favorites with a slender handle, Trigadon shaving brush. तो इसको हल्के से lukewarm water में कुछ देर के लिए मैं डुबो देता हूं।
Parker 94R. You already know that short handle with excellent knurling. और इसको आज मैं नोट करूंगा इस रेजर पे, जिलेट 7 o'clock प्लैटिनम ब्लेड, सुपर प्लैटिनम ब्लेड, जिसको जिलेट ब्लैक भी कहा जाता है, इसका पहला इस्तेमाल होगा। तो जल्दी से मैं नोट कर दूं, सो रेडी टू परफॉर्म। दाढ़ी मेरी 2 से 2.5 दिन पुरानी है, सो यू कैन सी स्टबल इज 2 to 2.5 days ओल्ड। और पोस्ट शेव में क्या यूज करेंगे वो मैं उसी समय आपको बताता हूं। सो लेट मी वॉश माई फेस विथ वॉर्म वॉटर। देखिए, अगर आप गर्म पानी से चेहरा अपना शेविंग से पहले साफ करते हो तो इससे अच्छा प्रीशेव प्रिपरेशन कोई नहीं है। आपकी स्टबल काफी मुलायम हो जाती है, बट यस, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है और एफर्ट लगाना पड़ता है। सो आज मैं कोई भी प्रीशेव ऑयल नहीं यूज करने वाला हूं, ना ही प्रीशेव सोप, जस्ट टू चेक द स्लिकनेस ऑफ दिस जर्मन सोप। सो आई थिंक दिस इज इनफ। As usual, squeezing out all the extra water. देखिए, ये जो हार्ड आपके ये शेविंग सोप्स होते हैं तो इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा आप ऐसे स्वर्ल मोशन करिए और अच्छे से सोप को लिफ्ट करिए। So I think 30 to 40 swirls are enough. Shaving cream और soap में बस यही फर्क है आपको। Shaving cream की consistency थोड़ी सी पतली होती है तो आसानी से आप apply कर सकते हो और instant आपको लादा बनाने में help करती है। So भैया, ये अब एक विंटेज और एक डिसकंटिन्यूड सोप हो चुका है तो इसकी एक एक कतरा कतरा मैं यूज करूंगा। मिडिल क्लास मेंटेलिटी थोड़ी जाएगी, बट पता है मिडिल क्लास होने के बड़े फायदे होते हैं। एंड व्हाट इज दैट, यू वांट टू अफोर्ड द लग्जरी हैविंग द VFM माइंडसेट, वैल्यू फॉर मनी इन लग्जरी, ये केवल एक मिडिल क्लास आदमी सोच सकता है। एनीवे, मैं अपनी बकवास बंद करूं और जल्दी से लादा क्रिएट करूं। अमेजिंग अमेजिंग फ्रेग्रेंस। सो एज यू कैन सी, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बेहतरीन थिक लादा क्रिएट हो चुका है। सो आई विल नॉट से इट इज वॉटर थर्स्टी सोप, बट जो लादा क्रिएट हुआ है वो काफी थिक है तो अच्छे रेजर ग्लाइड के लिए, एक कुशन ग्लाइड के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी, मतलब वाटर ड्रॉप्स मेरे को डेफिनेटली डालनी पड़ेंगी।
बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है अभी और बहुत ही लाइट है, नॉट एट ऑल ओवरवेलमिंग। तो रोज सेंटेड जो है शेविंग प्रोडक्ट्स बहुत ही कम है मेरे पास। एक बटरफ्लाई गार्डन जो आर्टिसन सोप मेकिंग ब्रांड है भारत का, उनका एक रोज स्कल एंड रोजेस करके एक सोप आता है, बट उसकी स्मेल इससे काफी तेज है, बट वो भी एक बहुत शानदार परफॉर्मर है। वेरी लिच रिच वॉल्यूमिनस थिक लादर, तो मैं पहले बता चुका हूं ये सोप जब आता था तो एक बार के शेप में आता था, 150 या 250 ग्राम की जो बार है टिकिया के फॉर्म में आता था, और मोस्ट ऑफ टाइम इसको ग्रेट कर लिया जाता है और किसी कंटेनर में इसको पैक किया जाता है, ऐसा ही यहां पे सुधीर भाई ने किया है। चलिए अब ज्यादा बातें ना करके सीधे एक्शन में आ जाए। पाकर 94R लोडेड विथ जिलेट सुपर प्लैटिनम ब्लेड फर्स्ट यूज एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल फर्स्ट पास विद द ग्रेन। तो पार्कर जो 91R है रेजर, उसका हैंडल इससे लंबा है, नियरली 4 इंच, मगर जितने बार भी मैं इस रेजर को यूज करता हूं मेरे को मनुवा करने में ये ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। ऑफ कोर्स शेविंग परफॉर्मेंस दोनों की शानदार रहती है, मगर मनुवा करने में ये मेरे को ज्यादा बेहतरीन लगता है, ज्यादा बेहतर लगता है। फैंटाबुलस, बहुत ही बढ़िया। तो ये कंपनी क्लास जो है अभी भी चालू है, अभी भी सोप बना रही है, मगर ये रोज परफ्यूम वाला इन्होंने बंद कर दिया है। और DUSY डोजी या डजी क्लार करके एक ये कंपनी जो है अब शेविंग सोप बनाती है। देखिये जर्मन्स टेक्नोलॉजी के मामले में मैंने ज्यादातर सुना है जापानीज के बारे में, वो कम दाम में बेहतरीन क्वालिटी आपको दे देते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल। मगर अगर मैं आपको जर्मन्स के बारे में बताऊं तो उनका थोड़ा सा इतिहास 1940 के बाद थोड़ा दागदार रहा है, ब्लेमिश्ड, बट प्रोडक्ट्स के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में दे आर अनबीटेबल। आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, दे मेक इनसेन क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बट यस जापानीज प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में दे ऑलवेज टेक और चार्ज लॉट ऑफ प्रीमियम। तो एक जर्मन प्रोडक्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट के लास्ट वीडियो में, MK34C। दूसरे पास की मेरे को जरूरत लगी नहीं रही है और शानदार स्लिकनेस है। मगर एक चीज मैं कहूं, जो शेवोलॉजिस्ट के सोप हैं
पानी जो है उनके जो सोप हैं, उसी तरह से बटरफ्लाई गार्डन के सोप हैं, वो किसी भी मामले में मेरे को पीछे नहीं लग रहे हैं। यस, तो इससे पता लगता है कि कितनी फास्ट हम लोग भी कैचअप कर रहे हैं आर्टिसन सोप्स के मामले में। चलिए एक पास कर ही लिया जाए। पर एक चीज तो है, इन फॉरेन प्रोडक्ट्स का जो फील फैक्टर होता है ना, यूजर एक्सपीरियंस तो मैं हाँ वही कह सकते हो, मतलब जो इनका फील फैक्टर होता है वो बहुत ही आला दर्जे का होता है। अब ये क्यों होता है आई डोंट नो, या ये हमारा जो कुछ सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड है कि हम पहले से मान के चलते हैं कि ये प्रोडक्ट हम जो ले रहे हैं महंगे ले रहे हैं ये अच्छे होंगे, मगर यार फर्क तो दिखता है, नो डाउट वो महंगे होते हैं। आप वोक्सवैगन की कारों में बैठ जाओ, करेक्ट, या जो अपने थ्री लग्जरी मार्की ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, और जो उनका मास ब्रांड है वोक्सवैगन, इनकी कारों में आप बैठिए, पोलो है, जेटा है, इवन वेंटो, तिगुआन जो अभी नहीं आई है, उसमें एक जो रॉक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी जो मिलती है वो बिल्ड क्वालिटी अभी भी जैपनीज कार पर नोन फॉर रिलायबिलिटी, नो डाउट अबाउट इट, बट वो एक प्रीमियम फील फैक्टर उन्हीं में आता है, ये तो सच्चाई है। तो वैसे ही कुछ सेंसेशन सभी मेरे अंदर भी इन्वोक कर रहे हैं, आई मे बी एग्जैजरेटिंग, कई लोग हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट सालों से यूज कर रहे हैं तो उनको लग रहा होगा यार ठीक है, मगर जब आप पहली बार इस तरह के प्रोडक्ट के साथ अपने को रूबरू करते हो तो यार वो फर्क लगता है। हर चीज बिल्कुल सटल और नियर परफेक्ट, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। चलिए सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। इससे पहले कि पत्नी जी का धमाकेदार आवाज आए मैं जल्दी से शेव खत्म करता हूँ। एक्चुअली अभी मेरे को एक फैमिली गेट टुगेदर में जाना है, 11:30 का टाइम है और अभी 11:15 हो चुका है मॉर्निंग का। चलिए लेट्स चेक द स्लिकनेस, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल स्लिकनेस। तो इस स्लिकनेस के मामले में ये मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है 20, ये बिल्कुल शिवोलॉजिस्ट की बात करें चाहे बटरफ्लाई गार्डन की बात करें उनकी स्लिकनेस के एग्जैक्ट बराबर ही है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पीछे हैं और वो आगे हैं, दोनों बराबर हैं। बट यस, क्योंकि एक बहुत ही विंटेज शॉप है जिसको बंद हो चुका है अभी ये बनना, तो उस चीज को फॉर्म को देखते हुए ये एक मेरे को अच्छी फीलिंग दे रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, काश मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुहा सकता। चलिए लेट मी वॉश माय फेस। यार ये आने वाले टाइम में ये फेसबुक वाले जो अब मेटावर्स हो गए, सब एआई पे जा रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड, तो 40-50 साल के बाद ऐसा हो सकता है शायद
कि डिजिटल जो परफ्यूम्स होंगी वो यहां से मैं ऐसा रखूंगा सेंसर, और वहां आपके वाले मोबाइल में आपके आईपैड वगैरह जो भी है उसमें वो कुछ उस तरह के सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे और उस तरह की यू नो परफ्यूम एमिट करेंगे और आपको पता लग जाएगा हाँ जी ये जो मिस्टर दिवस यूज कर रहे हैं सो इसकी स्मेल ऐसी है। वो दिन जब आएगा तो वो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा वर्ल्ड का। इट्स अ मिलियन डॉलर आइडिया। बकवास करने के मामले में वो भी संडे के दिन मेरा सानी नहीं है कोई। एनीवे सो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप विदेशी रोज परफ्यूम तो मेरे पास है नहीं, तो आफ्टर शेव जो है जेल है मेरे पास बटरफ्लाई गार्डन का, इसको पूरी रिस्पेक्ट देते हुए मैं इसको यूज करता हूं। आई थिंक दिस इज इनफ और फिर मैं गेट टुगेदर के लिए निकलता हूं। हाँ ये तेज है, ये काफी तेज स्मेल है इसकी कंपेयर टू दिस सोप। आज मैंने फिट करी नहीं लगाई टाइम बचाने के लिए। वाओ संडे इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। सो दैट्स ऑल, लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट द प्रोडक्ट्स विच आई हैव यूज्ड। तो क्लार्क कैबिनेट यू नो सोप फंटास्टिक शेविंग एक्सपीरियंस, बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। दुर्लभ प्रजाति का ये सोप हो चुका है अभी और इसको अभी आप ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। तो अभी बिल्कुल अभी तो काफी टाइम लगेगा, एक दो साल तो चल जाएगा अगर मैं इसको किसी और को हैंड ओवर ना करूँ तो। तो ये एक दुर्लभ प्रजाति का जो है सोप है जो अभी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है, मगर ये बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है, अच्छा खासा मिल रहा है बाजार में भैया। और जिनको शॉर्ट हैंडल और बढ़िया सुप्रीम यू नो क्राफ्टमैनशिप कम दामों में चाहिए वो जा सकते हैं पाकर यू नो 94R के कंपैरिजन में छोटा है। अगर आपको छोटे हैंडल पसंद है तो ये बहुत बेहतरीन जो है शेप मेरे को देता है। आई रिकमेंड इट, फंटास्टिक, नो प्लेटिंग इशूज फॉर मी। और ये ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल हो गया है मेरे पास यूज करते हुए। एक और देसी प्रोडक्ट ट्राइगोडोन, और बहुत ही बेहतरीन जो है ये भी लादा बनाता है, बस आपको लादा बनाने की टेक्निक आनी चाहिए। और ऑफ कोर्स अपनी राम्या प्रभाकर मैडम का बटरफ्लाई गार्डन स्कल एंड रोजेस सोप जेल आफ्टर शेव जेल, एंड इनके बारे में कहना बहुत कहने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि और कोई इनका कंप्यूटर है भी नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से आज का शेविंग सेशन यही समाप्त करते हैं। रिमेनिंग संडे आई विश यू ऑल द वेरी हैप्पी हैप्पीनेस अलॉन्ग विथ यू नो फंटास्टिक टाइम विथ योर फैमिली। आवाज आ रही है श्रीमती जी की, यू कैन आपको सुनाई दे रही होगी। तो इससे पहले कि मिसाइलें तेज चले बैलिस्टिक मिसाइलें, मैं अब यहां से कट लेता हूं। तो टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद।